वेलकम टू सुमया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। ये जो चैप्टर है ये हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके साथ में जो एक इंसिडेंस हुआ है, यानी ये जब छोटे थे तो इनके साथ में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी, कुछ उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारे साथ में शेयर किए कि उन्होंने कैसे कौन सी चीज़ उनके साथ में होती थी, वे कैसा बिहेव करते थे बचपन में, वो सब यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंस हमारे साथ में शेयर किया गया हुआ है। उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी। मुंबई चे चर्नी रोड उद्यान। चर्नी रोड उद्यानात संध्याकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी देखील चन्नी रोड उद्यानात रोज संध्याकाळी 5:30 वाजता यायचे। उद्यानाच्या एका बाकेवर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकाचे वाचन करत असे। मुंबईचे चन्नी रोड उद्यान। मुंबई अभी आप सबको तो पता ही है मुंबई क्या है, कौन सी सिटी है। मुंबई में चन्नी रोड पे एक उद्यान है, उद्यान यानी एक गार्डन है। चन्नी रोड उद्यानात संध्याकाळच्या वेळी अनेक नागरिक फिरायला यायचे। वो गार्डन है तो वहाँ पर बहुत से लोग तो घूमने आते ही थे, तो संध्याकाळच्या टाइमिंगला यानी एक शाम के वक्त वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते थे। मुंबई येथील विल्सन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक। मुंबई में विल्सन हायस्कूल है, वहाँ के मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल आणि विद्याव्यासंगी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी, विल्सन हायस्कूल के मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल का नाम क्या है? कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी देखील चन्नी रोड उद्यानात रोज संध्याकाळी 5:30 वाजता यायचे। ये जो कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरुजी है ये भी गार्डन में रोज शाम में 5:30 बजे घूमने जाते थे। उद्यानाच्या एका बाकावर बसून ते सोबत आणलेल्या पुस्तकांचे वाचन करत असे। उद्यानाच्या एका बाकावर यानी गार्डन में बैठकर एक बेंच के ऊपर जो बुक्स वो अपने साथ में लेकर आते थे उसका क्या करते थे? रीडिंग करते थे। उन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद था, तो वह वहाँ पर गार्डन में जाकर अलग अलग किस्म की बुक्स लेकर जाते थे, रोज शाम में जाते थे वहाँ पर और रीडिंग करते थे। बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या कृष्णाजी केळुसकर गुरुजींच्या लक्षात आले की थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत आहे। बाकावर बसून वाचन करणाऱ्या यानी बेंच पर बैठकर जो गुरुजी थे, गुरुजी मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, उन गुरुजी का नाम क्या है? कृष्णाजी केळुसकर। वो वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे थे? बुक्स रीडिंग कर रहे थे। तो बुक्स रीडिंग करते करते उनके ध्यान में आया कि एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर, एक विद्यार्थी यानी एक स्टूडेंट वहाँ पर बैठा हुआ है, थोड़ा अंतरावर यानी थोड़े डिस्टेंस पे एक विद्यार्थी वहाँ पे पुस्तक वाचत बसते रहे, यानी एक डिस्टेंस के ऊपर एक जो स्टूडेंट है वहाँ पर बुक पढ़ते हुए बैठा है। त्यावेळी त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही और उस वक्त मतलब उन्होंने उस स्टूडेंट की तरफ, उस विद्यार्थी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक झलक देखा। मतलब हमारा किसी से सामना होता है, हम उसे गौर से नहीं देखते, बस एक झलक देखकर उन्होंने वहाँ से हट गए। दुसऱ्या दिवशी तो कालचा विद्यार्थी ते थे पुस्तक वाचताना त्यांना दिसला। नेक्स्ट डे दुसऱ्या दिवशी वापस से जो कल जो स्टूडेंट यानी कल जो विद्यार्थी वहाँ पर बैठ के पुस्तक यानी बुक रीडिंग कर रहा था वो उन्हें वापस से दिख गया। आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले और 2 दिन कंटिन्यूसली उन्होंने उस विद्यार्थी, उस स्टूडेंट को वहाँ पर बैठकर बुक पढ़ते हुए देखा। आता मात्र त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले। अभी उनके दिल में कुतूहल यानी एक्साइटमेंट पैदा हो गई, एक अचानक सी एक्साइटमेंट उनके दिल के अंदर पैदा हो गई। तिसऱ्या दिवशी देखील तोच विद्यार्थी कोणते तरी पुस्तक वाचताना दिसला। तीसरे दिन वापस से उनको वही सेम विद्यार्थी वहाँ पर एक बुक पढ़ते हुए दिखाई दिया। त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजीकडे बघितले, कोणीच काही बोलले नाही और उस बच्चे ने, उस विद्यार्थी ने भी गुरुजी की तरफ देखा लेकिन किसी ने भी किसी से कुछ भी बात नहीं की। केळुसकर गुरुजी त्या मुलाजवळ आले और केळुसकर गुरुजी जो थे वो उस बच्चे के पास है, उस विद्यार्थी के पास है।
तो मुलगा वाचत होता और वो बच्चा क्या कर रहा था, रीडिंग कर रहा था. कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे असे त्या मुलाच्या लक्षात आल्याबरोबर त्याने गुरुजीकडे बघितले. कुणीतरी आपल्याजवळ उभे आहे यानी वो गुरुजी वो बेंच के ऊपर बैठ के वो बच्चा ऐसे रीडिंग कर रहा था और गुरुजी उसके पीछे साइड जाकर खड़े हो गए. जैसे ही उस बच्चे को एहसास हुआ कि कोई हमारे तरफ देख रहा है या कोई मेरे साइड पर खड़ा है, वैसे ही उस बच्चे ने उन गुरुजी की तरफ देखा. गुरुजी ने अतिशय आपुलकीने त्याला विचारले, बाळा तुझं नाव काय. गुरुजी ने अतिशय आपुलकीने यानी गुरुजी ने बहुत ही प्यार से और नरम बोल से उस बच्चे को पूछा, बाळा तुझं नाव काय यानी बेटा तुम्हारा नाम क्या है. माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर. बच्चे ने जवाब क्या दिया, उस स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मेरा नाम क्या है, भीमराव रामजी आंबेडकर. वाह छान नाव आहे तुझं. गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा. 3 दिवसापासून तुला रोज येते बघतो. मैं 3 दिन से रोज तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ. तू रोज काहीतरी वाचत असतो, तुम रोज कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई जैसे किताब तुम पढ़ते रहते हो. इतर मुलांसारखी तू मस्ती करताना दिसत नाही. इतर मुलांसारखी यानी दूसरे बच्चों की तरह तुम मस्ती करते हुए नहीं दिखते. म्हणून तुझी ओळख करून घेण्यासाठी मी तुझ्याजवळ आलो. यानी दूसरे बच्चे अपना पूरा टाइम खेलने में डाल देते हैं, वैसे तुम नहीं हो. तुमको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, तुम 3 दिन से रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ओळख यानी मैं तुमसे इंट्रोडक्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ. आपल्याविषयी इतक्या प्रेमाने स्नेहाने बोलणाऱ्या त्या गृहस्थाबद्दल भीमरावला आदर वाटला. आपल्या विषय यानी भीमराव यानी ये जो छोटा बच्चा था उसका नाम भीमराव है. भीमराव को अपने दिल में अंदर ही अंदर एक अच्छी फीलिंग आ रही थी उन गुरुजी के लिए. वो सोच रहा था कि ये मुझसे कितने अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं और इतने अच्छे से मुझे पूछ रहे हैं. तो उनके भीमराव के दिल में उन गुरुजी के लिए आदर यानी इज्जत बढ़ चुकी थी. त्याने गुरुजींना नमस्कार केला और भीमराव ने क्या किया, गुरुजी को क्या किया, नमस्कार किया. केळुस्कर गुरुजी ने विचारले, बाळा तू कुठे शिकतो. जैसे राव इसने भीमराव ने गुरुजी को नमस्कार किया, गुरुजी ने उनसे क्या पूछा कि बेटा तुम कहाँ पर पढ़ते हो. मी एल्फिस्टन हाईस्कूल भाईखळा येथे शिकतो. भीमराव ने जवाब दिया कि मैं एल्फिस्टन हाईस्कूल भाईखळा यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ. शाळेतील पुस्तकांविषयी अवांतर पुस्तके वाचायची मला आवड आहे. शाळेतील पुस्तकांशिवाय यानी स्कूल की बुक्स के अलावा दूसरी भी बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथे काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो. इसीलिए स्कूल छूटने के बाद मैं थोड़ा देर इस गार्डन में आकर बैठता हूँ, इस उद्यान में आकर बैठता हूँ और बुक्स रीडिंग करता हूँ. वाह छान, चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजेत. तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा बहुत अच्छे, पुस्तकें यानी बुक्स पढ़ना चाहिए. नंतर केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावाच्या कुटुंबाविषयी चौकशी केली और उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी बहुत बात करने के बाद केळुस्कर गुरुजी ने भीमराव को उनके कुटुंबाविषयी यानी फॅमिली के बारे में पूछा. ते विचार करू लागले, हा मुलगा इतर मुलांपेक्षा निश्चित वेगळा आहे. वो सोचने लगे कि ये जो बच्चा है ये दूसरे बच्चों से अलग है, क्योंकि दूसरे बच्चे अपना पूरा टाइम खेलने कूदने में और टाइम पास करने में निकालते, लेकिन ये बच्चा रोज़ कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता रहता है. इसका कुछ अलग ही हिसाब है. या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे. इस बच्चे को आपुलकी यानी अपनापन और मार्गदर्शन यानी जैसे कि कोई अगर चीज़ हम लोग करते हैं अगर उसमें हमें सही गाइडेंस मिले तो वो चीज़ हमारी परफेक्ट हो जाती है, वैसे ही मार्गदर्शन यानी गाइडेंस की ज़रूरत है. थोड़ा वेळ थांबून ते म्हणाले, मी विचार करत होतो की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे. वो थोड़ी देर वो वहीं पर रुक गए और उन्होंने क्या कहा कि मैं सोच ही रहा था कि मैं तुमको बताऊँ पद्धतशीरपणे वाचन यानी सही तरीके से रीडिंग कैसे की जाती है, मैं तुम्हें ये बता दूँ. सांगा ना गुरुजी, आतुरते ने भीमराव ने विचार ले और भीमराव ने भी एकदम एक्साइटमेंट से आतुरते ने यानी एक्साइटमेंट में बोला कि हाँ हाँ गुरुजी मुझे बताओ ना कि रीडिंग कैसे करते हैं.
गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करायचे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले. गुरुजींनी भीमराव को बताया कि रीडिंग कैसे करते सही तरीके से, उसको वो बताया और उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी. मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईन. उन्होंने क्या कहा गुरुजी ने कि मैं कुछ लेखक है यानी कुछ राइटर है जिनकी बुक्स मैं तुमको पढ़ने के लिए दूंगा. ज़रूर दिया गुरुजी, भीमराव बोला. जी जी गुरुजी ज़रूर, आप मुझे ज़रूर ला के दीजिएगा, मला ती पुस्तकें वाचायला आवडतील, मुझे वो बुक्स वगैरह रीड करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. गुरुजींनी मोठ्या मायेने भीमरावाच्या डोक्यावरून हात फिरवला. भीमरावाला खूप बरे वाटले और गुरुजींनी बड़े ही मायेने यानी बड़े ही प्यार से भीमराव के सर पे से हाथ फिराया. भीमराव को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. चन्नी रोड उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींची भीमरावशी रोज भेट होऊ लागली और चन्नी रोड में जो गार्डन है उद्यान है वहाँ पर गुरुजी और भीमराव की रोज मुलाकात होने लगी, भेट होऊ लागली यानी मुलाकात होऊ लागली. गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले और गुरुजी क्या करते थे रोज उसके भीमराव के लिए अलग अलग पोएट राइटर्स की अलग अलग बुक्स वगैरह उसको पढ़ने के लिए लाकर दिया करते थे. त्यामुळे भीमरावाच्या विस्तृत्व वाचनाला सुरुवात झाली और उस वजह से क्या हुआ भीमराव के विस्तृत्व वाचन, विस्तृत्व यानी बहुत सारा रीडिंग करने में, विस्तृत्व यानी बहुत ज़्यादा. आता केळुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली होती. आता केळुस्कर गुरुजी आणि भीमराव यांनी केळुस्कर गुरुजी और भीमराव की अभेद्य गट्टी यानी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी. केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावाची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडे स्वतः शिफारस केली होती. केळुस्कर गुरुजीच होते, उन्होंने क्या किया केळुस्कर गुरुजी ने भीमरावाची तल्लक बुद्धिमत्ता, तल्लक यानी जो एकदम तीक्ष्ण होती है ना, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बुद्धिमत्ता यानी दिमाग को, शार्पनेस को याद रखते हुए महाविद्यालय आणि पुढे उच्च शिक्षण, महाविद्यालय यानी कॉलेज और ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिकेत पाठवण्यासाठी उनको, किसको, भीमराव को कहाँ पर भेजना था, कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना था, तो उसके लिए उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ महाराज इनके पास खुद क्या की थी, सिफारिश की थी. किसके लिए? भीमराव के लिए. त्यामुळेच भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली और उसी वजह से जो भीमराव था उसको कहाँ पर, अमेरिका में उच्च शिक्षण के लिए जाने के लिए अपॉर्च्युनिटी, संधि यानी अपॉर्च्युनिटी मिल गई थी. आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले और उन्हें चांस मिला कि वो बाहर जाके स्टडी कर सकते. उन्होंने उस जो चांस का बहुत पूरे पूरे फायदा उठाया और जगातील एक विद्वान, विद्वान यानी एक नाम कमाया उन्होंने, नावलौकिक उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर झाले. उन्होंने अपना नाम कमाया और आज पूरी दुनिया उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानती है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रियल नाम क्या है? भीमजी रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रियल नेम है. अशा या उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली. अशा या उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांनी काय लिहिली? राज्यघटना यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने लिखा है. तो उस उद्यान में जो एक विद्यार्थी था, वो विद्यार्थी कौन था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे. इसी तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है. थैंक यू.